अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम लोग आज मौजूद हैं पाँचवें रोज़े की अफ्तारी करने के लिए। हम लोग आगे हैं दिल्ली कॉलोनी, और दिल्ली कॉलोनी के हम लोग बिल्कुल स्टार्ट पे खड़े हुए हैं। अभी हम यहाँ से अंदर जाएंगे और देखेंगे दिल्ली कॉलोनी में क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, जिसमें अफ्तार के टाइम पे किस तरह से यहाँ पे लोग जो है बाइंग करते हैं और अफ्तार भी यहीं करेंगे आज। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, तो फिर आओ मेरे नाल। अस्सलाम वालेकुम, ये शोरमे का बताएं क्या सीन है सर? चिकन वाला 100 का है, जिंगर 150 का। ये इसके चिकन के बारे में बोला जाता है कि इसकी चिकन की क्वालिटी ज़रा लो होती है, ऐसे बात सही है ये? नहीं नहीं सर, बेफिक्र हो जाए, कोई मसला नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो अभी अफ्तार के बाद ट्राई करें तुम्हारा शोरमा इंशाल्लाह। चलो ये है, ये क्या क्या चीज़ें रखी हुई तुमने यहाँ पे बताओ? मायोनीज है, स्पाइसी मसाला है। अच्छा, ये मसाला है, और ये क्या है? स्पाइसी मसाला है। सही है, पिकल्स है, एलोपीनो है, सलाद पत्ता है, ये गोभी है, खीरा है, चकंदर है। अच्छा, बंद में शोर मौजूद। और ये है वो मुर्गी, बेहतरीन है। ये बाकी सॉसेज वगैरह रखी हुई है, कितने का दे, कितने का रहे हो? 100 रुपये का। 100 रुपये का। और जिंगर? जिंगर 150। बेहतरीन है, उनसे अच्छा है, साथ वालों से अच्छा, बेफिक्र हो जाए। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। ये दिल्ली कॉलोनी में किस जगह खड़े हैं हम लोग? हम जमीयत हॉस्पिटल के सामने, जमीयत हॉस्पिटल के सामने खड़े हैं। ये क्या सीन है ये बताएं लोगों को, क्या है ये मुद्दा? ये बेसन से बने हुए होते हैं। अच्छा, ये पानी वाले कबाब होते हैं। क्या हिसाब है ये? ये 120 रुपये डजन। 120 खाते हैं लोग, शौक से खाते हैं? हाँ, बहुत शौक। आप भी शौक से खाते हैं? ज़्यादातर दिल्ली वाले ज़्यादा शौक से खाते हैं। आगे चलते हैं और भी चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं। अच्छा, ये भाई समोसों के रेट बताओ? ये समोसे 20 रुपये का, आलू का समोसा है 20 रुपये का है। वो क्या है? ये दाल वाली कचौरी है 12 रुपये की। ये कितने की है? 12 रुपये की। 12 रुपये की। और वो जो पकड़ी है वो भी 12 की है जी भाई। पकड़ी के बाद ही तो 12 की है भाई, पकने के बाद 12 की है जी भाईजान। ये हनी के रेट प्लेट 150 रुपये की है, 400 रुपये किलो है। 400 रुपये किलो। ये प्लेट बन रही है? नहीं, ये सिंगल है, ये पाव है। सिंगल में कितने होती है? सिंगल में 100 रुपये। वो कितने की है? 100 रुपये की। 100 रुपये की। अभी अफ्तार के बाद ट्राई करते हैं। सामान तो तुमने इतना सारा जमा किया हुआ सामने, बेहतरीन बेहतरीन हली में साथ बैठ के अफ्तार करेंगे। बोले साथ बैठ के अफ्तार करेंगे, अभी अफ्तारी का टाइम होने वाला है, अभी करते हैं अफ्तार। आगे जी भाईजान, ये बताएं जरा, पकोला मिल्क में कड़वाहट तो नहीं आ रही? नहीं भाई, बिल्कुल कड़वाहट नहीं आ रही, मीठा ही। प्योर चीनी है, ऑल पर दूध से बना हुआ, खदाइयत से भरपूर है। ऐसा कैसे? बिल्कुल सर, आप टेस्ट करिएगा। आप ऐसा कैसे कर लेते हैं आप? सर ऑल पर दूध का है ये, पाकोला दला हुआ इसमें, उबले हुए ऑल पर दूध। जी जी, दूध को बॉईल करके बनाते हैं जी, बिल्कुल। और दे कितने करें? 50 रुपये का, आधा किलो। 50 रुपये का जी। तो अफ्तारी में बच जाएगा मेरे लिए? जी बिल्कुल बच जाएगा आपके लिए, बहुत आपके लिए। बस सही है, अभी अफ्तारी में ट्राई करते हैं आपके साथ। बिल्कुल बिल्कुल इंशाल्लाह। जी भजन, ये फ्रूट चाट क्या बताएं जरा? जी सर, हुकुम करें, हुकुम क्या, करें। क्या हिसाब है, क्या हिसाब सर? ये 70 रुपये पाओ, 280 रुपये किलो है। 70 रुपये पाओ? जी जी, 280 रुपये किलो जी। खुद बनाते हैं जी? बिल्कुल खुद बनाते, हाथों से। बिल्कुल अपने कमारे हाथों से बनाते हैं, हमारे हाथों से, अपने कमारे हाथों से। अभी अभी ट्राई करते हैं। जी जी बिल्कुल। आप खाते हैं फ्रूट चाट? आप खाते हैं? वेरी क्रिस्पी। अच्छा, शानदार, बेहतरीन। यहाँ की दिल्ली कॉलोनी की बेहतरीन फ्रूट चाट। किस नाम से, नाम बताएं? सर यूके फ्राई जूस के नाम से मेरी शॉप है। अच्छा, सामने शॉप है मेरी, यूके फ्राई जूस के नाम से। अच्छा, सही हो गया, बिल्कुल बेहतरीन है, बेहतरीन। कितने के रेट है? सब 50 रुपये का। सब 50, कुछ भी ले लें 50। सेल लगाई हुई है, हर माल 50। अंदर वाले भी
अंदर थोड़ी है, अंदर तो हमारा। अच्छा सही है, ये है क्या क्या चीज़ें बताएं उसी लोगों को थोड़ा सा। काली मिर्च है, लौंग है, बड़ी इलायची है, सब एक कैटेगरी का माल है सब। सब सब हैं, काली मिर्च 50 में कैसे आ सकती है इतनी सारी? सब आ जाती है, आ जाती हैं। अच्छा ये क्या चीज़ें? ये पापड़, पापड़ ये रमज़ान लगाए मुझे। कच्चा पापड़ पक्का? पक्का रमज़ान में कच्चा पापड़ 10 दफा कहें तो आगे से जाएगा। कच्चा पापड़ पक्का पापड़ एक दो तीन दिन बोल के दिखाएं। कढ़ाई बना रहे हो? कढ़ाई अफ्तारी में कढ़ाई बन रही है, देखो दिल्ली गवर्नमेंट में। कैसी है, कैसे भजन? कौन सी कढ़ाई बना रहे हैं? ये ब्राउन कढ़ाई है, पिशावरी कढ़ाई है। और ये वाली? ये भी पिशावरी है। और ये तीनों पिशावरी? तीनों पिशावरी। पिशावर से बाहर नहीं निकल रहे तुम। क्या हिसाब देते हो ये? 1100 रुपये किलो। 1100 रुपये किलो चिकन? जी चिकन। और मटन? मटन नहीं है। मटन बनाओ ना, वो बढ़िया मटन, वो रहा पीछे मटन दिखाएं, पीछे वो रहा मटन, ये मटन डाल दो ना इसमें। ये क्या हिसाब है भाईजान? 150 रुपये की प्लेट है, ये 240 रुपये की है ना प्लेट है। लेग टिक्का 200 रुपये का है, सीने का टिक्का 220 रुपये का है। सही है, बेहतरीन है। अजय, हम लोग ये दिल्ली कॉलोनी के बिल्कुल सेंटर में हैं और यहाँ पे हम लोग अब डिफरेंट जो स्टॉल लगे हुए हैं दही बड़े के, खाने के, वो हम लोग कवर करते हुए जा रहे हैं। मैं पहले कभी दिल्ली कॉलोनी के इतना अंदर नहीं आया कि अंदर आके कवर करूँ, लेकिन मैंने कहा आज आप लोगों को कराची के सारे इलाके दिखाएंगे। कोशिश करेंगे जितनी भी अफ्तारी के अंदर डिफरेंट जो इलाकों के अंदर एक्टिविटीज़ होती हैं वो आप लोगों को दिखाएँ। अभी यहाँ पे भाई ने बताया कुछ दही बड़े वाला है, उसको चल के देखते हैं। मुझे लग रहा है वो सामने है जहाँ पर रश लगा हुआ है, तो चल के उसको कवर करते हैं, तो फिर आ जाओ। ये देखें जी, ये यहाँ पे चने हैं खाले, आगे दही बड़े हैं, उसके साथ आगे आलू हैं, उसके बाद फिर दही बड़े हैं, फ्रूट चाट है, लाइन से चीज़ें लगी हुई हैं, रश लगा हुआ भाई, फुल गहमा गहमी चल रही है यहाँ पे। और इसके सामने दुकान पे देखें तो यहाँ भी बहुत रश है। ये देखें आप, यहाँ भी वही चीज़ है। ये देखो, ये देखें आप। तो भाईजान यहाँ पर अफ्तारी में जो है लबे शरीर मिल रही है, ये भी देखें ना आप, यहाँ चेक करें ज़रा, पैक किया हुआ है ज़रा, मक्खी बचाओ मुहिम चलाई भी इन्होंने, सही है। तो ये वाली जो ये प्लेट है भाई, कितने की है ये? 100 रुपये का बॉक्स है, 250 ग्राम है। 100 रुपये का बॉक्स है, 250 ग्राम है। मेरा पेट भर जाएगा इससे? जी इंशाल्लाह भर जाएगा। आपका भर जाता है? बिस्मिल्लाह पढ़ के खाएंगे भर जाएगा। ये देखें जी, ये भाई कह रहे हैं कि है तो हमारी अच्छी, तो अभी अफ्तार के बाद ये एक्सपीरियंस भी आपको करके दिखाते हैं। 100 रुपये की प्लेट है, और किलो है क्या हिसाब है? किलो 400 रुपये। 400 रुपये किलो है, बेहतरीन भाई, रेट सही है। वैसे हमारे जुनेद भाई हैं, वो यहाँ पे आते रहते हैं दिल्ली कॉलोनी में। जुनेद भाई देखें, आज मैं आपके इलाके में आया हूँ और आपका इलाका कवर कर रहा हूँ, फुल माहौल है अंदर यहाँ पे। भाई देखें, जिस तरह गर्मी पड़ रही है तो यहाँ पे पाकिस्तान कराची के अंदर जो लोग पाकिस्तान से बाहर देख रहे हैं, ये बात उनके लिए है। हम तो सारे मौसमों के सारी तकलीफ़ों के आती हैं, लेकिन जब हमारे यहाँ पे बर्फ़ नहीं, लाइट नहीं होती, बर्फ़ की कमी हो जाती है, तो हम लोग इस तरह से यहाँ से बर्फ़ जो है ना लेके जाते हैं, फुल हाइजीनिक बर्फ़। ये क्या हिसाब है बर्फ़ बताइए? 120 रुपये पाओ है। 120 रुपये पाओ? और किलो? किलो नहीं होती, पाओ होती, बस पाओ होती है। पाओ में कितना आता है? पूरा 20 ही है। ये पूरा पाओ है 120 रुपये का। और ये कितने का है? ये 20 रुपये का है। ये लड़का देखेंगे रेड शर्ट में तोड़ रहा है, कैसे हो लड़के? तबीयत ठीक है? मजा आ रहा है? गर्मी तो नहीं लग रही? ये देखें जी, हमें पता चला 10 का है, लेकिन 10 का नहीं है। समोसा, समोसा कितने का है? आगे 22-25 रुपये का चल रहा है समोसा, हम लोग 15 रुपये का चला रहे हैं। 15 रुपये का कहाँ है? 15 रुपये का समोसा? ये आलू वाले समोसे अभी खत्म हो चुके हैं। ये कितने के? ये 15-15 रुपये का। ये 15 का है। और रोल? रोल 20 का है। रोल 20 का है भाई। पकौड़े भी हैं यहाँ पे, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। हम यहीं से लेके अफ्तारी करेंगे अभी ना, अफ्तारी का टाइम हो गया अब करीब, आज की अफ्तारी दिल्ली कॉलोनी में। मज़ा आ गया मुझे वैसे यहाँ पे आके आज ना, शाहिद भाई ने एडवाइस दी थी कि यहाँ पे आना है आपने, आज मज़ा आ जाएगा, तो मज़ा आ गया वाकई में। अच्छा हम लोग आज दोबारा बंस रोड नहीं गए, वरना तो बंस रोड भाई तो मेरी शक्ल पहचान गए अब, लेकिन हम यहाँ करेंगे दिल्ली कॉलोनी। तो दोस्तों अभी हम लोग जो है अफ्तारी के लिए बैठ गए हैं, अफ्तारी के लिए अज़ान हो गई है, तो मैं तो ऐसे खजूर खा चुका हूँ ऐसे, लेकिन ये कि अभी आप लोगों को दिखाता हूँ ये चाट हमने जो वहाँ से ली थी गली नंबर
दो के कोने से दिल्ली कॉलोनी में। ये चाट बहुत बेहतरीन है, मैंने बड़ी कम इतनी अच्छी चाट खाई है कराची के अंदर। नहीं वो पुराना है वो भी। और ये जो फ्रूट चाट उन्होंने कहा था ये देखें, फलों की क्वालिटी बेहतरीन है, बहुत रेयर इतनी अच्छी फ्रूट चाट आपको कराची के अंदर मिलेगी। ये भी है बाकी भाई की, यहाँ पे हलीम भी है, जलेबी भी हम ले आए हैं। तो हलीम का क्या सीन है, लोगों को बताएं। हलीम तो हलीम के क्या क्या कितने रुपए की प्लेट है? प्लेट तो वही 100 रुपीज़ वाली, 100 रुपीज़ वाली है। खुद बनाते हैं? ज़बरदस्त है, अपना किचन है भाई। ये मेरे वाले साहब के टाइम से लगा। अच्छा तो भाई यहाँ पे हम करते हैं इस ब्लॉग को एंड। इंशाल्लाह ताला आपको नेक्स्ट किसी ब्लॉग के अंदर हम आपको किसी नया कोई इलाका दिखाएंगे इंशाल्लाह। बहुत जल्द मेरी कोशिश है कि आपको अहमदाबाद दिखाया जाए, वो अभी तक किसी ने एक्सप्लोर नहीं किया, वो भी एक्सप्लोर करेंगे और आप लोगों को तकरीबन कराची के अलग अलग जो जो इलाके हैं वो सारे हम एक्सप्लोर करके दिखाएंगे। अपना बहुत ख्याल रखें जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।